सलामुअलैकुम जन, आप कैसे हो? आप सब आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आपको पता है कि आजकल इजराइल ने क्या क्या तबाही मचा के रखी है। सो आज वीडियो होने वाली है डॉक्टर इसरार अहमद जी की, यहूदियों के सबसे बड़ा खौफ क्या है, उनके चार सबसे बड़े मिशन क्या है, हाँ, क्या चाहते हैं वो, सबसे बड़ा खौफ क्या होगा, देखते हैं भाई। सही बात है, एंड चार ऐसे कौन से मिशन है जो वो करना चाहते हैं, तो फिलहाल इसको करते हैं प्ले। बदलें जिंदगी, जैतून टीवी। प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ायन 1897 में उन्होंने ये नक्शा दिया दुनिया को, एक सांप उसके गिर्द है और वो इन सब के इलाकों को ये लेकर के ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसलिए कि 1.5 करोड़ इसराइली दुनिया में है। अब जो 35 लाख आया है सिर्फ, मौजूदा इसराइल में कितने हैं? 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, अल्लाह ना कर सकता। वो कहते हैं सारे इसराइली जो यहूदी अब यहां लाएंगे, उसके लिए हमें रकबा चाहिए, हमें इलाके ग्रेटर इसराइल ये हम बनाएंगे। और ये मैंने जैसा कि अर्ज किया कि हासिल होगा, नंबर 1 आर्मगेडॉन, नंबर 2 ग्रेटर इसराइल, नंबर 3 डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस्सख्रा। मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस्सख्रा, पता नहीं आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, ये असल में यरूशलम का एक माउंट है, एक पहाड़ी है जिसे टेम्पल माउंट कहते थे। इस माउंट के ऊपर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने माबद बनाया था, इबादतगाह बनाई थी, वो उसे टेम्पल कहते हैं। हमारे मस्जिद थी, हजरत सुलेमान की बनाई हुई इबादतगाह जो है वो क्या है? मस्जिद है। अब वहीं पर जो है, बाद में जब सफर शुरू हुआ है हुजूर का बैतुल मुकद्दस से, तो जिस चट्टान से वो बुर्राक की जब फ्लाइट शुरू हुई है, उस चट्टान के ऊपर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक बहुत बड़ा गुंबद बना दिया था। इस गुंबद के ऊपर सोने की पत्नी शाह हुसैन ने चढ़ाई है, जो फौत हो गया, जिसका बेटा है शाह हुसैन जो फौत हो गए, और उसी वक्त कहा था ये यहूदियों ने, ये सोना गालिबन 35 मन या 35 टन, ये मैं कह नहीं सकता, ये सोना हमारे काम आएगा जब हम टेम्पल बनाएंगे अपना। तो वो जो मस्जिद उमर है थी, जहां हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी, वहां पर मस्जिद अक्सा है, और वो जो है टेम्पल जो है डोम ऑफ द रॉक कुब्बतुस्सख्रा, सुखरा चट्टान को कहते हैं, चट्टान के ऊपर डोम है। ये है वो नक्शा है ये, लेकिन कितने लोग देख सकेंगे इसको? इसमें देखिए जो बड़ा डोम है वो इधर है, ये है कुब्बतुस्सख्रा, छोटा डोम इधर है, ये है मस्जिद अक्सा। लेकिन ये दोनों टेम्पल माउंट पर है, उन्हें अपना थर्ड टेम्पल बनाना है। यूं समझिए यहूदियों का खाने काबा तकरीबन 1900 बरस से गिरा पड़ा है। 70 ईस्वी में गिरा दिया था टाइटस रूमी ने, हमने नहीं गिराया, रूमियों ने जो बुतपरस्त थे उन्होंने गिराया था, उस वक्त गिरा पड़ा है। अब उन्होंने बनाना है, 67 में उन्हें कब्जा मिल गया, 67 से पहले ईस्ट यरूशलम जो है वो जॉर्डन के पास था, 67 की जंग में जो है इन्होंने जीता है, उसे वापस लिया है, और वहां पर अब उसे गिराना है। ये है थर्ड आर्मगेडॉन, नंबर 1 ग्रेटर इसराइल, नंबर 2 और डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस्सख्रा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड टेम्पल, और नंबर 4 वहां लाकर रखेंगे थ्रोन ऑफ डेविड को। ये पता नहीं शायद पहली मरतबा इलाज सुन रहे हो आप, मुझे भी आज से 2 साल पहले जब पहली मरतबा मैंने पढ़ा, मैं हैरान रह गया, ये क्या है? हजरत दाऊद का तख्त कहीं महफूज है क्या? ये एक पत्थर था जिस पर हजरत दाऊद को बिठाकर ताजपोशी की गई, उसी पर बिठाकर हजरत सुलेमान की ताजपोशी हुई, फिर जब हजरत सुलेमान ने ये माबद बना दिया, वो माबद में रख दिया गया, उसके बाद किसी भी इसराइली बादशाह की ताजपोशी वहीं पर बैठकर हुई। जब टाइटस रोमी ने 70 ईस्वी में गिरा दिया उनके टेम्पल को, वो पत्थर ले गया, वो पत्थर रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से ब्रिटानिया में आ गया, इंग्लैंड में आ गया, और इंग्लैंड में 14वीं सदी ईस्वी में इस पत्थर को एक कुर्सी की सीट के तौर पर लगाकर ये थ्रोन बना दिया गया, और ये जो उनकी पार्लियामेंट है वेस्टमिंस्टर
वेस्ट मिनिस्टर की पार्लियामेंट जो है उसके साथ जो चर्च है वेस्ट मिनिस्टर एबे उसमें रखा हुआ है। और अब बर्तानिया का किसी बादशाह कोई जो क्वीन है ताजपोशी होती उस पत्थर पर, दैट इज द थ्रोन ऑफ डेविड, वो लाकर रखा जाएगा। ये चार निकाती एजेंडा है जिस पर ज्यूस और जो ईसाइयों में जिनको हम कहते हैं देवकॉन, या आजकल आप पढ़ते अखबार देवकॉन न्यो कंजर्वेटिव, ये लोग जो है ये मुत्तफिक है, ये चार निकाती एजेंडा। इसीलिए मैंने कहा था कि जो इस सलीबी जंग का मरकजी मार्का है वो वहां होना है, लेकिन वो चाहते हैं कि उससे पहले पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनसे निपट ले, इसलिए कि जब ये गिराएंगे, जब ये बैतुल मक़द्दस के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा को गिराएंगे, और जब ये कुव्वतुस सदर पूरे आलम इस्लाम के अंदर आग लगेगी। और ये जो हुकूमतें हैं ऊपर बैठी हुई है मुसलमानों की, ये तो जैसे कि बाद सरमायादार कारखानेदार जो है, एक तो उनके यहां लेबर यूनियन होती है जेन्युइन, और एक होती है पॉकेट यूनियन, वे पॉकेट यूनियन से है तमाम हुकूमतें इंक्लूडिंग अवर ओन, मुशर्रफ से बड़ा पॉकेट और कौन होगा, और वो जरदारी उसका बाप निकला, दोनों एक दूसरे से आगे। और जैसा कि मैंने बताया फहद के बाद हमें उम्मीद थी बेहतरी की, वहां तो फहद का बाप आ गया, वो तो सबसे बढ़कर चला गया, वो तो सजदा रेज हो गया अमरीका के सामने। तो अंदेशा है कि उस वक्त जो है हो सकता है पाकिस्तान के एटॉमिक जो असासे हैं वो फंडामेंटलिस्ट के हाथ में आ जाए, ये हुकूमतें सैलाब में तिनकों की तरह बह जाएंगी। ये है, इसलिए मैं दो बातें आपको बता दूं। 1967 की जब जंग हुई थी, सिक्स डेज वॉर, इसराइल ने तीन मुसलमान मुल्कों को शिकस्त दी एक वक्त, मिस्र से सीनाई पेनिनसुला ले लिया, शाम से गोलान हाइट्स ले लिए, और जॉर्डन से ये पूरा वेस्ट बैंक ले लिया। इसी वेस्ट बैंक के अंदर ये हिस्सा था जिस पर कि टेंपल माउंट है, और जिस पर ये दो स्ट्रक्चर्स हमारे खड़े हुए मुसलमानों के मुकद्दस मकामात, मस्जिद अक्सा और नंबर दो कुब्बतुस सख्रा। उस वक्त जो है इन्होंने जश्न मनाया था 1967 में, अपनी फतह का जश्न मनाया पेरिस में, और वहां तकरीर की थी बिनगोरियन ने। बिनगोरियन हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, और उसने ये कहा था हमें किसी अरब ममालिक से कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से। हालांकि पाकिस्तान एटॉमिक पावर तो नहीं था उसमें। सो गाइस, ये थी वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद जी की, और ये बता रहे थे इसराइलियों को, इजराइली नहीं सॉरी यहूदियों के बारे में, इजराइल के बारे में वही की बात है कि क्या जो क्या भी आज हो रहा है वो बता रहे थे पहले कि ये चीजें होंगी, जरूर होंगी। कुछ टाइम के लिए इनको बहुत सारी पावर भी मिलेगी है ना, कुछ जो बाकी लाचार और बेबस एरिया जो कह सकते हैं हम कंट्रीज कह सकते हैं, जैसे फिलिस्तीन का एग्जाम्पल ले लो आप, तो उन पे वो अत्याचार करेंगे, तो वो चीजें हो भी रही है। एंड उन्होंने कहा था कि उनके कुछ मिशन हैं जिनमें से सबसे बड़ा मिशन उनका है डिमोलिज द मस्जिद अल अक्सा, जिसके पीछे वो पड़े हुए हैं, जिसको करने की वो कोशिश करते रहते हैं। आए दम जैसे फलस्तीनी वहां पे जाते हैं ना, तो ऑब्वियस बात है वो वहां पे गोलियां जब चलाते हैं वहां पे ना, ऐसी चीजें करते हैं, गोली चलेंगी, तो ऑब्वियस बात है जो गोलियां लगेंगी तो वो मस्जिद अल अक्सा पे ही लगेंगी। उसे डिमोलिश करने का जो भी प्लान है सारा का सारा वो चीज है। एंड बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।